हेलो एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो वीडियोस की सीरीज आप देखने वाले हैं, इन वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स डिटेल्ड में बात करेंगे और इस चैप्टर की डेरिवेशन और अदर थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम बात करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियोस की सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसी चैप्टर के अदर सेक्शन में जा सकते हैं, इवन फॉर एनसीईआरटी आल्सो। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को। आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को मिला के बनती है एक यूनिट, और इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर उसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस वर्ड को बोलने से आपको पता लग रहा है इलेक्ट्रो, एक ब्रेक बीच में आ रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो? अगर मैं इलेक्ट्रो को बार बार कहूं तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मींस रेस्ट। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? आप लोगों ने पहले काफी बार सुना होगा इलेक्ट्रॉन का नाम। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली अ चार्ज। तो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट। आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट। आप चार्ज को रेस्ट पर रखेंगे और फिर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे चार्ज के बारे में। तो पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं चार्ज के बारे में। जैसे कि सबसे पहली चीज, चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल होता है क्यू, या तो आप बनाइए स्मॉल क्यू या फिर आप बनाएंगे कैपिटल क्यू। बात की जाए चार्ज के एसआई यूनिट, तो चार्ज की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल सी, सी फॉर कूलम। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो चार्ज बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। वन इज नेगेटिव चार्ज एंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, तो यू कैन से द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसका चार्ज बड़ा होता है, दोनों का ही चार्ज इक्वल होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्ज पार्टिकल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। इन दोनों का चार्ज सेम होता है, फर्क क्या है? ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। इस बात का याद आपको अच्छे से रखना है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। अगर मैं कहूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये किसका सेम है, किसका मतलब किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब थोड़ी सी और कुछ बातें करते हैं चैप्टर के अंदर। यहां तक हमने सिर्फ ये जाना कि चार्ज का सिंबल क्या है, एसआई यूनिट क्या है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। फिर हमने जाना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, उनके मास के बारे में। अब मान लीजिए आपके पास किसी भी एक जगह पर, आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए किसी भी एक जगह पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज रखा है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अभी हम सिर्फ चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, खाली इसको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेसिकली हम लोग। ओके, अगर आपके पास किसी भी एक जगह पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और आप जब उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को पास लेके आएंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो पास आना चाहेंगे। वहीं अगर आप अगर किसी दो सेम चार्जेस को, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, यानी कि वो आपस में से रिपेल होंगे। रिपेल का मतलब वो दूर जाएंगे बेसिकली। और अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज हैं, यानी फिर से सेम चार्जेस हैं, तो ये भी दूर जाएंगे। तो यहां हम ऑब्जर्व करते हैं कि सेम चार्ज, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये है कुछ इस चार्ज की इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कि किस तरह ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, किस तरह रिपेल होते हैं बेसिकली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि क्या चार्ज है, मतलब चार्ज का सिंबल क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सब मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज क्या है,
तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि चार्ज कोई पार्टिकल है, चार्ज कोई मटेरियल है, चार्ज कोई सब्सटेंस है। नहीं, चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। आई रिपीट, चार्ज कोई थिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मार्कर है, ये एक इंसुलेटर है, तो मैं इसे भी चार्ज दे सकता हूं। अगर मैंने इसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज, किसी अदर मटेरियल को दे दिया नेगेटिव चार्ज, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी सब्सटेंस को दी जाती है, और वो प्रॉपर्टी देने के बाद वो किसी को अट्रैक्ट कर सकता है या किसी को रिपेल कर सकता है। तो आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल आफ्टर विच द मटीरियल एग्जिबिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्शन भी शो करता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, फिलहाल हमें पढ़ना है इसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो यहां पर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, और आप ये भी जान चुके हैं कि चार्ज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जान लिया कि चार्ज क्या है, अब पढ़ते हैं कि चार्ज की अपनी क्या प्रॉपर्टीज है। आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव या एडिटिविटी। नाम से पता लग रहा है एडिटिविटी। एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं ये नहीं बताता फिर आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब वापस आते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी। देखिए, नाम से पता लग रहा है एडिटिविटी, यानी कि एडिशन। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक भी कोई भी सिस्टम है, कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या है, तो आप सिंपली करेंगे, आप सिंपली इन सब को आपस में ऐड कर देंगे। That's it. अब अगर मैं इन सब को एल्जेब्रिकली, यानी कि नॉर्मली, जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं 2+3+4+5, अगर आप इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर पा रहे हैं, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये है चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। दैट मींस चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। आप किसी भी बॉडी के ऊपर कितने भी चार्ज दे रखे हैं, आप उन सबका सम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। एक बात के बारे में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चैप्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो फिर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, या फिर आपके अंदर वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, परफेक्शन नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इन वीडियोज को देखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी जो बहुत ही सिंपल है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको पता है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सेम, चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि ना तो आप चार्ज को बना सकते हो, ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल। इस चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? कंजर्वेशन। अब जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, देखिए उसके बारे में क्या है। उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, हालांकि वो एग्जाम्पल यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको उस एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है, फिर से इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी। आप क्या कर सकते हैं? आप दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसकी तरह सबको आपस में ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल चार्ज विल बी 1, 2, 3, 4, 4 मल्टीप्लाई विथ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी सेम ही आना है। यही है बेसिकली टाइप का आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = ± n e
ई वेयर एन इज इंटीजर यानी कि एन कैन बी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो एक बात याद रखिएगा कि जो ये एन है, ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं, बट एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ये एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एन का फ्रैक्शन होने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन आधा मौजूद है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कभी आधा नहीं होगा। तो एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। अब अगर मैं इस क्वांटाइजेशन को आपको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन इज बेसिकली दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है उससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं, कभी भी हम एन और ई को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि हम उसका इंटीग्रल कर रहे हैं, हम टोटल फाइंड कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। That's it. ये आपका quantization of charge है। Confused बिल्कुल नहीं होना quantization of charge में, बहुत सिंपल सी चीज है। आप सिंपली किसी बॉडी का टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकाल रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग द इंटीजर वैल्यू बाय द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की SI यूनिट। तो ये है आपका quantization of charge। यहां खत्म होती है आपकी प्रॉपर्टीज। एक बात और कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, उसके लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको ओरली बात कर लेते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है आपका चार्जिंग का। चार्जिंग यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए, किसी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जाए, किसी बॉडी में से चार्ज कैसे लिया जाए, चार्जिंग कैसे की जाए। आप लोग अपने फोन चार्ज करते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने एसी में अपना अडैप्टर लगाते हैं, उसमें से चार्जर लेते हैं, अपने फोन में लगा देते हैं, तो वहां से आपको वोल्टेज मिलती है, आपका फोन चार्ज हो जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, यहां भी ऐसा ही है। चार्जिंग अगर आपको करनी है, यानी कि अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है, मैं बता देता हूं आपको, पहला तरीका होता है कंडक्शन, दूसरा तरीका होता है बाय फ्रिक्शन, और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका इंडक्शन। बहुत जरूरी है। मैं इन तीनों को बहुत ही लेम लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कभी भूलने नहीं वाले। फिजिक्स को जितना आप लेम लैंग्वेज में अपने तरीके से याद करेंगे, समझेंगे अपनी इमेजिनेशन के अनुसार, उतना ही आसान होगा न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, कंडक्शन नाम से लग रहा है, कंडक्ट करना। किसी भी कंडक्शन के लिए आप क्या करते हैं, आप किसी तार को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कनेक्ट करते हैं। तो कंडक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, अगर आपको किसी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कंडक्टर है, आपको इस कंडक्टर को चार्ज करना, आपको इसे कुछ चार्ज करना, आपको उसको 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम कोई चार्ज वैल्यू देनी है आपको उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक तार बांधना पड़ेगा, उसी तार को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किसी अदर बॉडी के पास जो बॉडी चार्ज्ड हो, उस चार्ज बॉडी से इसके अंदर बेसिकली चार्ज आ जाएगा और ये बॉडी चार्ज जाएगी। तो ये था बाय कंडक्शन, यानी किसी वायर की हेल्प से। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, हम उन्हें हमेशा चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स। अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है, कोई भी इंसुलेटर, कोई आपके पास कोई भी इंसुलेटर मटेरियल है, कैसा भी इंसुलेटर मटेरियल हो, और अगर आपको उसको चार्ज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल यूज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? आप उन दो बॉडीज को लेके आएंगे, मान लीजिए यहां मेरे पास हाथ में एक इमेजिनरी एक बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड है, ये बॉडी चार्ज्ड है, आप इन दोनों को रब करेंगे, बिकॉज दिस इज फ्रिक्शन। रब करने से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स इस अनचार्ज्ड बॉडी में आ जाएंगे और ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। ये आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लास्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडक्शन क्या होता है। देखिए, इंडक्शन मतलब होता है जहां कहीं भी इंडक्शन आ रहा है, यानी कि वहां पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, यानी बिना छुए कोई काम करना है आपको, आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक स्फेरिकल बॉडी है, इसे मैंने यहां रख दिया है, ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड का मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितने प्लस होंगे इसके अंदर उतने ही माइनस होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन, तभी तो ये अनचार्ज्ड है। अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आऊंगा, मैं एक चार्ज रॉड इसके पास लेके आया हूं, ये बॉडी जो है वो टोटली पॉजिटिवली चार्ज है, मैं इसको उसके पास लेके आया हूं, टच नहीं करना। टच क्यों नहीं करना, हम इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इंडक्शन में कभी टच नहीं करते, बिना छुए मैं इस बॉडी को आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। अभी देखिए,
जैसे ही मैं इसको पास लेके आऊंगा, मैंने आपसे कहा था कि ये बॉडी अनचार्ज है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आप अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव से रिपेल होते हैं। तो इस प्लस से इसके अंदर के प्लस जो हैं न्यूट्रल बॉडी के अंदर वो इस तरफ आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट होना चाहेंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। जब मैं कर लूंगा उसके बाद में क्या चाहूंगा कि यार इन दोनों में से अगर कोई एक चार्ज रह जाए और एक निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल माइनस रह जाए या प्लस रह जाए, दूसरा निकल जाए, तो ये बॉडी हो जाएगी चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, जो भी चीज एक्स्ट्रा है वो अर्थ में फ्लो कर जाएगी। अर्थ बहुत बड़ा कैपेसिटर है, वो सब ले लेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसको आप अर्थिंग करेंगे तो इसके अंदर के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रॉड से अट्रैक्टेड है, यानी कि इस पॉजिटिव रॉड ने इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को होल्ड किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव रॉड इस प्लस चार्ज पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है। तो इसीलिए क्या चाहेंगे, ये इससे दूर जाना चाहेंगे। तो इस वायर के थ्रू ये अर्थिंग हो जाएंगे और आपको अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको यहां पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेंगे और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अब इसके अंदर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज बच गया। तो क्यों ना अब मैं इसको हटा दूं, तो जैसे ही मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो क्या होगा, इसके अंदर के सारे नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगे और मैंने एक अनचार्ज बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बना दिया विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, यानी कि बिना छुए। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो यहां तक हमने ये जान लिया कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे दे रहे हैं। अब वहीं आगे बात करते हैं, आइए कि चार्ज को अगर हम किसी भी दो बॉडीज को फॉर एग्जांपल आपस में टच कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है, इसके पास चार्ज है Q1, आपके पास एक और बॉडी है, इसके पास चार्ज है Q2, अगर आप इन दो बॉडीज को आपस में टच कर रहे हो, जब कभी भी आप किन्हीं दो बॉडीज को आपस में टच करोगे वो हमेशा क्या करते हैं, अपने चार्ज को शेयर करेंगे, वो कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। अब शेयर करने के बाद अगर आपने फॉर एग्जाम्पल उनको हटा दिया तो उनके अंदर चार्ज कितना बचेगा हमें वो जानना है। अब तो फॉर एग्जांपल मैं इनको पास लेके आया, मैंने टच कर दिया, टच करने के बाद इनको अलग कर दिया, तो टच करने पर क्या होता है, ये दोनों अपने अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इतना चार्ज ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि जो इनका जो नया वाला चार्ज होगा Q1 डैश का, वो क्या होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। Q2 डैश यानी कि नया वाला चार्ज, इसका भी क्या होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ये इसका चार्ज होगा। इसी के ऊपर मान लीजिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास फॉर एग्जांपल एक चार्ज है 4 कूलम का, आपके पास एक चार्ज है फॉर एग्जांपल 8 कूलम का। ये दो फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल बॉडी है जिनके पास चार्ज है 4 कूलम 8 कूलम, और आपके पास एक और स्फेरिकल बॉडी जो कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब चार्ज कितना हुआ, जीरो। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आप अपनी इस बॉडी का नाम मान लो ए है, इस बॉडी का नाम है बी। आप अपने उस अनचार्ज स्फेरिकल बॉल को पहले इसके पास लेके आए, टच कर दिया, फिर हटा दिया, फिर इसके पास ले गए, टच कर दिया, फिर हटा दिया। अब बताइए तीनों के पास कितना चार्ज बच गया। तो देखिए जब मैं उस स्फेरिकल बॉडी को इससे टच करूंगा तो इसके अंदर और उसके अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे निकालेंगे, उसका चार्ज है जीरो, इसका चार्ज है 4। तो हमारा पहला स्टेप 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कितना बचा, 2 कूलम। यानी कि जो मेरी मान लो जो मेरी थर्ड बॉडी है जो अनचार्ज है उसका नाम है सी, यानी कि ए और सी को मैंने मिलाया, उन दोनों ने अपने अंदर इतना चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यानी कि ए के पास अब चार्ज है 2 कूलम और सी के पास अब चार्ज है 2 कूलम। अब मैं सी को उठा के ले गया बी के पास, टच करा, फिर हटा दिया। जब मैं सी को और बी को आपस में टच करूंगा और फिर दूर कर दूंगा तो वापस ये दोनों मिलकर अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली और वापस अलग अलग हो जाएंगे। तो देखते हैं नया वाला चार्ज क्या आएगा सी डैश के ऊपर, वो आएगा 2 कूलम प्लस ये वाला 8 कूलम डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 कूलम। यानी कि सी डैश के पास बचेगा 5 कूलम और इसके पास भी कितना बचेगा, इतना ही तो बचेगा, इसके पास भी बचेगा 5, क्योंकि आपस में चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये होता है चार्ज का दो बॉडीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का तरीका, जो मैंने आपको सिखाया है, बहुत ही सिंपल तरीका है बेसिकली। तो ये आपने यहां पर ये देखा कि चार्ज कैसे दो बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब चार्ज किसी सरफेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम देखते हैं, आइए छोटा सा फॉर्मूला है इसका वो भी देख लेते हैं।
और उसके बाद चार्ज का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है, मुझे इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या तरीके हैं? देखो इसके बहुत ही लेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप मेरी इस लेम लैंग्वेज को, मेरी इन बातों को समझ गए तो फिर आप वो समझ जाओगे जो आपकी बुक्स में लिखा होता है। मेरे पास ये बॉडी है, मुझे इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। देखिए ध्यान से कैसे। या तो मैं चार्ज को एक लाइन से आगे स्प्रेड करूंगा, यानी कि एक के आगे एक, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहां प्लस चार्ज रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर, यानी मैं चार्ज को लाइन के अकॉर्डिंग लीनियरली स्प्रेड कर रहा हूं, तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? डी क्यू बाय डी एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, आप चाहे तो इसको सिर्फ क्यू बाय एल भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कंसेप्ट समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके चार्ज के अकॉर्डिंग। अब मुझे चार्ज को पूरे सरफेस पर लपेटना है, पूरे सरफेस को देना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे करते हुए पूरे सरफेस को चार्ज दे रहा हूं, यानी कि मैं इस बॉडी के सारे एरिया पे चार्ज को लपेट रहा हूं। तो यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एरिया, तो इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कुछ इस प्रकार, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई डी एस, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं डी क्यू डिवाइड बाई डी ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, या फिर आप सिंपली इसको क्यू बाई ए या फिर क्यू बाई एस भी कह सकते हैं, यानी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एरिया। लास्ट, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को इस बॉडी के अंदर जितना भी वॉल्यूम है उसके अंदर भर दूंगा, तो यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। इसे कैसे लिखेंगे? इसका सिंबल होता है ऐसे, फॉर्मूला इज डीवी या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। तो यहां तक हम इस चैप्टर के चार्ज के बारे में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जान चुके हैं, और अगली वीडियोस में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।